जुमा मुबारक। लेकिन इस तरह थोड़े ना यार, जुमा जुमे के लिए स्पेशल जरा रेडी ही होते हैं, तैयार श्यार होते हैं, फिर जुमे का सही फील आती है, नहीं तो इस तरह जुमे की फील भी नहीं आती। और शावर वगैरह लिया मीन, बस ऐसे ही फोन उठा लिया, मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ही स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रेडी हो चुके हैं और अब जरा फील आ रही है ना यार जुमे की, नहीं तो पहले फील ही नहीं हो रहा था कि जुमे। अब जल्दी से जुमा अदा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रो, सबसे पहले हम लगाएंगे ओके। अब जल्दी से निकलते हैं, कीज पकड़ लेते हैं घर की, शाबाश भाई, आजा भाई। देखते हैं मौसम भी, मौसम बल्कि मुझे तो पता है, आप लोगों को बल्कि मैं दिखा देता हूँ। ये क्या मुँह पे लग रहा है। चलो भाई, सुभान अल्लाह, गर्मी अल गर्मी अल मोटर मोटर स्टार्ट एंड बहुत गर्मी है, और गर्मी है, धूप है, और मूसा भी है। मूसा स्कूल से आया है और अभी रेडी भी नहीं हुआ जुमे के लिए मूसा। और देखिए मूसा को अभी डांट पड़ेगी ये जब घर जाएगा, क्योंकि सॉक्स में ही आ गया है बेटी। जल्दी जाओ जुमा अदा करना भाई, जल्दी आओ, मैं जुमा अदा करने जा रहा हूँ। हैं क्या कह रहा है, नहीं आना, DRS ले रहा हूँ। चलो भाई जुमा अदा करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। After offering, jump a prayer. अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा अदा कर रहे हैं। और बाहर यार इतनी गर्मी क्या हो गया मौसम। मैं समझा था ठीक हो गया, लेकिन गर्मी बहुत है। अभी सांस वगैरह लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद हम सबका फेवरेट सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट जो हमने जुमे के दिन स्टार्ट किया हुआ यार, कुरान आया या हदीस वाला सेगमेंट। लेकिन पहले पानी वगैरह लेते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, पानी वगैरह पी के फिर वो करते हैं। आया ऑफ द डे, तो पिछले जुमे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस कवर की थी, उससे पिछले जुमे भी कुरानी आया थी। तुम्हारे एक जुमे हदीस का सेशन होता है और एक जुमे आया कुरानी आयत होती है। तो आज इस जुमे कुरानी आयत की बारी थी, तो وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ and Allah is most capable of everything. Allah سبحانه وتعالى ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے ہمیں literally قرآنی آیت ہے اور ہمیں یہ البقرہ سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 284 ہے. ہمیں literally پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز ایک دن ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، دن جو ختم ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، رات اور چاند ستارے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو آئی ایم ناٹ کیپیبل ٹو میک اے ویڈیو، اور ایون یو آر ناٹ واچنگ مائی ویڈیو اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈونٹ وانٹ دیٹ. سو اللہ سبحانہ وتعالی بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارا جتنا یہ سٹرونگ ایمان ہوگا اور اتنا سٹرونگ ہر کسی کا ایمان ہوتا رہے گا، صرف یہی آیت کو سوچنے کے لیے کہ اگر ہم لوگ کسی چیز میں سیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں ہوا تو کچھ بہتر کے لیے نہیں ہو، بہتر ہی ہوگی اس کے اندر جس وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی ہوگی. اور اگر ہم اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے پھر تو اینڈ آف کانورسیشن ہو جائے گی نا، وہاں پہ پوری بات ختم ہو جائے گی. لیکن ہمیں اس کو فوراً موو آن کرنا چاہیے اور نیکسٹ اسٹیپ دیکھنا چاہیے، نیکسٹ اسٹیپ ہے کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پتا ہمیں اور اس سے بہتر کچھ پلان کیا ہو. سو دس از دا آیا آف دا ڈے. اتنے دنوں بعد ذرا کرکٹ کا سین بنایا، اثر کی نماز ادا کر گیا، ہم نے ذرا کب بوائز کو دیکھا، ہم نے کہا یار ذرا کرکٹ کھیلے، اتنے دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا ہم نے کرکٹ نہیں کھیلا، تو آؤ ذرا جلدی سے کرکٹ کھیلے. لیکن ان کپڑوں میں تو بالکل بھی نہیں کھیلا جائے گا. 1 2 3 کیا کر رہا ہوں، میجک کر رہا ہوں بھائی. 1 2 3 4 ये हो गए ना हम लोग रेडी, और अब निकलते हैं क्रिकेट. यार इतनी देर हो गई है क्रिकेट खेले, पता नहीं खेला भी जाएगा कि नहीं. ये होता है भाई की जुमला, ये ना क्रिकेट, जो भी क्रिकेट खेलेगा ना नया नया शुरू करे, नया ही नया आएगा. जब भी आप बड़ी देर बाद किसी से खेलोगे ना, उसका रिवायती जुमला क्या होगा, कोई साल हो गया, 2 साल हो गया हाथ नहीं लगाया बैट को. बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी लग जाते हैं उनके साथ. कोको की बैटिंग हो चुकी है और इस वक्त मूसा मौजूद है बैटिंग पर, और अहमद बॉलिंग कर रहा है, और एज नहीं निकला. चलो यार अहमद, मूसा बहुत अच्छी लेग स्पिन और बहुत अच्छी शॉट, कवर में चौका हो गया यार, कवर में पूरी कवर में मार दी, वहां पे कोई फील्डर ही नहीं था. बड़े तेज हो रहे मूसा हैं, 8 स्कोर मार दिया अहमद को आपने आते साथ ही. अहमद गुस्से में आएगा, लेकिन अहमद को चौका एक और पड़ेगा. 12 स्कोर मूसा बहुत गुस्से में आज खेल रहे हो, चौकों पे चौके. दोबारा से मूसा और अच्छी जगह प्लेस करने में नाकाम हो गए. अहमद ने रोक ली प्लेस, तो बड़ी अच्छी कर गया था. कोको तंग करते हुए मूसा को,
कोको क्रीज लगाते हुए बैठ के कौन सा यही तो असल क्रीज है जो कोको को आती है लगानी। कोको की बैटिंग आ चुकी है क्योंकि अहमद पिछला मैच जीत चुका है। चलो अहमद खुश हो जाओ, मैंने कहा था बताना है भाई कि मैं पिछला मैच जीतूं। यार मूसा की लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मूसा भी सेकंड आया भाई। यार मूसा कोई कम नहीं था। और ये देखो वन एंड ओनली बेंडक नहीं बल्कि अब्दुल्ला शफीक आ चुका है बैटिंग में। कोको आउट हो चुका है, जल्दी कर अहमद बोल आउट करना है मूसा। क्या ये भी सबका सवाल है कि इस वक्त मूसा अहमद कोकोमो एंड अजलान एक के यहाँ पर क्यों बैठे हैं और मैं इधर इनकी वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वो देखिए दरवाजा नोक हो रहा है, ऊपर बॉल फेंक दी है हसीब ने, हसीब ही बॉल लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये वाले अंकल बहुत गुस्से में हैं। अंकल डांटते हैं यहाँ तो चुप अंकल उसे डांटते हैं कि नहीं देख लेते हैं। ओ सुभान अल्लाह रिकॉर्ड टूट गया, अंकल ने आराम से आने दिया। थोड़ा खेला लेकिन चलो बेहतर है कुछ तो खेल लिया ना, नहीं तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कोको बच्चे चलो शाबाश, जल्दी घर चले नमाज अदा करने, नमाज का अजान है। शुक्रिया नहीं इधर पकड़ा है, ये इधर दीजिए बॉल। नमाज अदा करने, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज घर घर अपने अपने जा रहे हैं, नमाज अदा करते हैं। और लेकिन वो बाहर बताऊंगा क्या है, नमाज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। और आज है पाकिस्तान का मैच, और वो भी अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता तो सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली, होम सीरीज वो भी लाहौर में, और हम नहीं गए भाई जन। एक बड़ा हैवी जुगाड़ हो गया था आज टिकट का, लेकिन मिल कितने की रही थी, 3000 की टिकट मिल रही थी। मैंने कहा यार इससे अच्छा हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें सुकून है, इतने भी नहीं। हमने कहा 1000 तक मिलती है ले लेंगे, लेकिन 3000 की नहीं, इतने भी नहीं, फजूल खर्चे हम करेंगे। अच्छा तो सीन ये है कि आज हारिस कर रहा है डेब्यू, हारिस रऊफ नहीं भाई, कीपर हारिस, क्योंकि रिजवान को इंजरी हो गई थी पिछले मैच में, जिस वजह से रिजवान ने दूसरी इनिंग में यार कीपरिंग में नहीं, हारिस को कीपरिंग बड़ी कमाल की थी, आउटस्टैंडिंग कीपरिंग की थी। और आज रिजवान मुंह से निकल रहा है, हारिस करने वाला है अपना डेब्यू, वो तो कंफर्म न्यूज है। और इसके अलावा चेंजेस का कोई पता नहीं, लेकिन मैं पर्सनली तो कहूंगा यार रऊफ को जरा रेस्ट दे दो, इतना हीरो बन गया रऊफ। तो उससे पहले रऊफ साहब का होता था कि रऊफ साहब ने आना यार विकेट तो ले लेगा, लेकिन स्कोर खेला, स्कोर तो भी खा रहा, लेकिन फिर भी जब से सीनियर बॉलर बन रहा है टीम के अंदर अंदर, जब से जूनियर आ रहे हैं और सीनियर्स में ऐसे चौड़े में आ रहे होते हैं रऊफ साहब, भैया अपन बॉलिंग करेंगे और हीरो बने हुए हैं रऊफ साहब। एशिया कप से हीरो बनते बनते इस सीरीज में तो कमाल ही हीरो बन गया ना, मैच के मैच ही बना के दे जा रहा है। पिछले से पिछला मैच रऊफ ने बना दिया था, मैं तो कहूंगा उसे भी रेस्ट करवाओ, उसकी जगह जिस मर्जी को भी डालो, धानी या स्नैन, हमारे पास ऑप्शन तो, हमारे पास फास्ट बॉलर तो मुक्त ही नहीं था पाकिस्तान में। लेकिन हारिस वाली कन्फर्म है खबर कि हारिस डेब्यू करने लगे आज के मैच में। तो जी टॉस हो चुका है और पाकिस्तान ने कमाल हो गए, हारिस का तो ऑफिशियल खबर आ गई थी। और रुक जाते भाई, रुक जाते, चेंजेस ये है, हारिस का डेब्यू है, हारिस को वो कैप किसने दी, द वन एंड ओनली दीजी भाई ने, रऊफ को भी बिठा दिया, रऊफ को बिठा के धानी को ले आया, तो मजे का आज मैच होने वाला है। क्योंकि आज पावर प्ले खत्म हो चुका है और पाकिस्तान का स्कोर 41 पर, भाईजान 2 आउट हो चुके हैं यार हमारे, और हारिस ने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, शान मसूद भी दूसरी बॉल पे एलपीडब्ल्यू हो गया। बाबर ने जरा चार्ज दिया, नहीं तो भाईजान बड़ी देर से स्लो ही चल रहा था मैच। इफ्तार भी हुए बाबर, अच्छा चलो इंटेंट अच्छे से खेला है, पिछली बॉल पे भी छक्का लगाया है, लेट्स सी देखते हैं कितना को टोटल बना लेते हैं। आसिफ अली डेविड बीली के सामने मौजूद, क्या इस बॉल पे कुछ कर पाएंगे, ये आउट हो चुके हैं आसिफ अली। कुछ तो बेहतर टारगेट बना लो यार, आज तो रऊफ भी नहीं है, आज किसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, टारगेट मुझे नजर नहीं आ रहा अच्छा, क्योंकि आसिफ अली भी आउट हो गए, सारे आउट हो जा रहे हैं यार। चलो भाई आखिरी ओवर में जरा टोपली को भी खेल लिया आखिरी बॉल, अब देखते हैं कितना हमारा टोटल जाता है। और ये आउट हो, नहीं नहीं फिलहाल आउट है, फील्डर खड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दे दिया 170 का टारगेट, तो लेट्स सी देखते हैं, बाबर आजम अपनी सेंचुरी नहीं कर सका यार, 87 नॉट आउट। मेरे ख्याल से हमने कोई तीसरे चौथे T20 में 168 का टारगेट डिफेंड किया हुआ है, और उसके अलावा पिछले भी हमने टारगेट डिफेंड किए हुए हैं, तो अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, ये भी नहीं हम बिल्कुल इजी ले सकते, लेकिन अच्छी बॉलिंग करेंगे तो हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े से ब्लंडर लग गए तो फिर आपको पता है इंग्लैंड वैसी टीम है कि वो मिस नहीं कर सकती, इंग्लैंड की टीम भाई वर्ल्ड क्लास टीम है, हालांकि उसकी इंग्लैंड की टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड की टीम में खेल रहे हैं और इतनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, क्या वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है? लेकिन नहीं, डकेट जैसा कि डकेट इतना लेवल खेल रहा है, इतना फील ही नहीं होने दे रहा अपनी टीम को, चुप करके आता है स्पिनर्स पे अटैक करके चला जाता है, लेकिन
वर्ल्ड कप के स्कोर में तो डकेट है ही नहीं कहीं भी, तो यही इंग्लैंड की टीम ने तैयारी की हुई है हमारी, बस दुआ करो आज रऊफ वाला किरदार को जूनियर जूनियर भी अच्छा कर देगा, आमिर जमाल अच्छी बॉलिंग करते हैं, आमिर जमाल को मैं चाह रहा था बैटिंग पे भेजे लेकिन बाबर आजम ने नवाज को बुला लिया, नो डाउट कोई बात नहीं, नवाज ने भी सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया, आखिरी बॉल पे आउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 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 शाहनवाज दानी शुड हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गली बिकॉज पिछले मैच का वो जो दिमाग से निकाल दे जो भी हुआ था बस निकाल दो और अच्छी बॉलिंग पे आ जाओ, मैच तो चलते रहेंगे, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल वाली वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, जरूर मिस नहीं करनी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तो जल्दी से दबा दो क्योंकि कल बहुत मजा आने वाला, आज भी मजा आया हुआ यार, अल्लाह हाफिज।